नमस्कार, मैं पिंकी शाह, आप देख रहे हो उदितराज न्यूज। मुरादाबाद के बिलारी से एंटी कोरोना मास्क फोर्स द्वारा वितरण किया गया, तो आइए देखते हैं मुरादाबाद से मोहम्मद जावेद की खास रिपोर्ट। मैं हूं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं उदितराज न्यूज। आज नगर बिलारी में राष्ट्रीय सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुमान धमाल द्वारा मास्क वितरण स्टॉल का प्रारंभ किया गया है और यहाँ पर पटवाल बिलारी प्रभारी निरीक्षक और सिटी इंचार्ज महोदय द्वारा लोगों को मास्क वितरण किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन किया जा रहा है। देखिए, हम दिखाते हैं आपको, ये रुक जाते हैं राजनगर परंतु में मेरे साथ राजनगर के अध्यक्ष जिन्होंने कैंप का शुभारंभ किया है और बहुत ही बढ़ चढ़ कर समाज सेवा कर रहे हैं। आइए बात कराते हैं हम आपको। जी नमन भाई, ठीक है, आपने इसका जो प्रस्थान किया है ये अपनी संस्था द्वारा किया है, कैसे? देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता संगठन हमारे यहाँ बिलारी क्षेत्र में लंबे समय से काम और ये राष्ट्रीय पूरे देश भर में और जैसे मतदान शुरू हुआ हमने यहाँ पर राशन वितरण किया और क्या कहते हैं दवाइयाँ जरूरी कहीं लोगों की परमिशनें करवाई, लोगों की मतलब इतनी मदद की है लोगों की कि बस आपको पता नहीं। उसी क्रम में आज ये लॉकडाउन का शुरू 14 चरण है 4 तारीख है 14 चरण शुरू हुआ है। हमने ऐसा स्टॉल लगाया है जहाँ पर मास्कों का निःशुल्क वितरण होगा और ये संपूर्ण लॉकडाउन तक जारी रहेगा। 12 से 4 बजे तक जो नियमावली है उसके आधार पर ही ये काम जारी रहेगा और ये जो सारा काम आप देख रहे हैं ये निरंतर ये सारी सेवा सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के उपक्रम यानी कि एंटी कोरोना टास्क फोर्स अपने निजी धन से करती है। जी, इसमें किसी का कोई विशेष योगदान नहीं है, ना ही किसी पूंजीपति का, ना ही किसी उद्योगपति का, ना ही किसी पैसे वाले का, ना ही किसी सिस्टम वाले का, ना ही किसी राजनीतिक, ना ही किसी गैर राजनीतिक। ये सारा काम हमने अपने निजी ढंग से किया। आप ये बताएंगे आप यहाँ पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बाद ही मास्क बांटेंगे? जी बिल्कुल, हमने यहाँ टीम लगी हुई है इस कार्य के लिए, टीम लगी हुई है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, गोल घेरे बना दिए हैं। अभी हमें उसके बाद ये सब निजी तौर पर मास्क हो जाएगी और जितनी पूरी टीम है सदस्य उसमें 2 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, 2 लोग 2 घंटे 2 लोग 2 घंटे यानी कि इन 4 घंटों में 2-2 सदस्य एंटी कोरोना टास्क फोर्स के काम करने के लिए और उसी तरीके से पूरा काम लॉकडाउन के नियम के पालन के साथ। यानी कि टाइम के प्रॉब्लम बिल्कुल 12 से 4 में 4 लोगों की ड्यूटी है, 2 घंटे 2 जन की ड्यूटी, 2 घंटे 2 जन की ड्यूटी, पूरा चार्ट है पूरा बना हुआ है। इन्होंने हमारे क्षेत्र में ही नहीं पूरे मुरादाबाद और लगभग हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छी मदद की है और उन्होंने बहुत सामाजिक कार्य के रूप में बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने लोगों को मतदान किया है। ठीक है, हमारे इलाके में आपको रिपोर्ट, कैमरा मैन नुवाकी साहब, मैं मोहम्मद जावेद, पूरी तरह न्यूज मुरादाबाद। हेलो, और इसके बाद परमानेंट वाला ले लेना, ये तो बेकार है, हमने सिलवाया मुझे कली मोरी एक ले लिए। अरे बच्चे को, बच्चे को, बच्चे के साथ है, ये देखो अरे बच्चे को, तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट।
फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए उदित राज, धन्यवाद।